जा रही है। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां पर नक्सली कमांडर ने सरेंडर किया है। दरअसल ताड़मेटला हमले में ये शामिल था और जिसमें 76 जवान जो थे वो शहीद हो गए थे। नक्सलियों के प्लाटून कमांडर सुधीर कोरसा उर्फ प्रकाश ने आज सरेंडर कर दिया और बुधवार शाम को बीजापुर पुलिस और अर्धसैनिक बल के अधिकारियों के सामने सुधीर पेश हुआ। सुधीर 2005 से नक्सल गतिविधियों में शामिल था और अब सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि सुधीर से कई अहम जानकारियां मिलेंगी और इस नक्सली पर 8 लाख का इनाम भी था। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ धमतरी पुलिस ने बीजापुर के रहने वाले नक्सली रामू को गिरफ्तार किया। सुधीर ज्यादातर सुकमा इलाके में सक्रिय था और वो ताड़मेटला में हुए बड़े हमले में भी की साजिश में शामिल था और ऐसे में 6 अप्रैल 2010 में हुआ ये हमला पैरामिलिट्री फोर्स पर हुआ, देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला था और इसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे और इस दिन 120 जवान सर्चिंग पर निकले थे। तभी करीब 1000 नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी और इससे इसमें फिलहाल